ओके गाइस, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली ए प्लस, ठीक है, ए प्लस शुरू कर रहे हैं। अब देखो जी, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड मेमोरी, ये तीनों हैं जो पार्ट्स होते हैं, किसके होते हैं, एक सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, राइट। अब अगर बात करते हैं इसकी, तो देखो, गिवन अ सिनेरियो, कॉन्फिगर सेटिंग एंड यूज बायोस यूईएफआई टूल्स ऑन अ पीसी, ठीक है, इसका तो कोई खास वो नहीं है। आगे चलते हैं, देखो ये एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स, मिनी एटीएक्स, देखो इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट्स, मतलब मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं या फिर प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती हैं, ये वाला जो पॉइंट है, देखो क्या बोल रहे हैं। अब देखो ATX क्या होता है, सबसे पहली बात, ATX जो CPU का जो ऊपर बॉक्स होता है ना, बड़ा वाला कवर जिसके अंदर आप मदरबोर्ड लगा रहे हो, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, ATX, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, साइजेस लिखा हुआ है ना, ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, ठीक है, देखो दिखाता हूँ, यहाँ जाएंगे ATX, ओके राइट। तो ये क्या होता है, सीपीयू के साइज के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड होता है बेसिकली, ठीक है। देखो ATX, माइक्रो ATX एंड मिनी ATX। अब इसमें क्या है, जो बाहर का सीपीयू कवर होता है उसे वैसे केस या बॉडी भी बोलते हैं, लेकिन ATX भी बोलते हैं, रियल लाइन, रियल टाइम में आपको सुनने को मिलेगा। अभी उस ATX के अकॉर्डिंग क्या है, ये मदरबोर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड की कैटेगरी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। एक एक होता है जर्नल, जो आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, ATX, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ATX। फर्क आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा तीनों मदरबोर्ड्स में, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मदरबोर्ड है, देखो हाई कैपेसिटी के हिसाब से गेमिंग के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये ATX का और आगे डिटेल में पढ़ते हैं अपनी बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, जैसे PCI स्लॉट होता है, PCIe स्लॉट होता है, PCIe, मिनी PCIe। PCIe स्लॉट कल मैंने आपको दिखाए थे, छोटे वाले, ये देखो ये वाले, ये लंबे वाले रैम के हैं, ये वाले RAM. है ना, और जो ये वाले, जो ये वाले स्लॉट्स हैं, ये किसके हैं, ये PCIe स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। देखो ये वाला इस बोर्ड में, देखो इसमें जो वाइट वाइट वाले हैं ना, ये क्या है आपके, PCIe स्लॉट्स, ठीक है। और जो ये ब्लैक वाले हैं, ये तो रैम स्लॉट्स हैं अपने, ठीक है, ये कल हमने रियल टाइम में देखा था। अब चलते हैं, इसके अलावा देखो क्या होता है, एक मदरबोर्ड के अंदर रैम के स्लॉट्स होते हैं, रैम के स्लॉट्स हमने देखे थे, CPU के सॉकेट्स, ठीक है। CPU के सॉकेट्स मतलब जहाँ पे आप, जैसे पावर का सॉकेट आया था, ठीक है, या फिर आपने जहाँ पे आप प्रोसेसर लगाते हो, बेसिकली देखो CPU किसको बोलते हो यार आप, CPU हमेशा बोला जाता है प्रोसेसर को, प्रोसेसर जो होता है ना वो कहलाता है आपका CPU। तो ये वाला जो वाइट वाला जो दिख रहा है स्लॉट, इसे हम क्या बोलेंगे, CPU सॉकेट, ठीक है, ये क्या है आपका, CPU सॉकेट है। अब आगे चलते हैं, CPU सॉकेट देखा, चिपसेट्स, अब चिपसेट्स के अंदर देखो क्या होता है, चिपसेट्स मतलब दो चिप है उनका सेट है, कॉम्बिनेशन है। हमने कल दो ब्रिज देखे थे जिनके ऊपर हीट सिंक लग रहे थे, दो ध्यान है, छोटे छोटे, उनके अंदर अंदर क्या था, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज था। दो ब्रिज होते हैं हर मदरबोर्ड में, दो ब्रिज होते हैं, एक ये वाला है, ये ब्लैक जिसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है, ठीक है, एक ये वाला है जिसके ऊपर हीट सिंक नहीं लगा हुआ है। तो मैं ऐसा कोई देखता हूँ जिसमें आप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, इसमें भी डिस्प्ले हो रहा, देखो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज हर एक मदरबोर्ड में होते हैं, इस चीज़ का याद रखो, ठीक है। इसमें एक डिस्प्ले हो रहा है, ये जो IC लग रही है ना, ये इसका सेकंड ब्रिज है, लेकिन आपको जैसे हमने देखा था कल वाला वो दिखाता हूँ, देखो इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, और इसमें देखो चिपसेट दिख रहा है, कि चिपसेट लिखा हुआ है और ये चिपसेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, दोनों ब्रिजेस होते हैं, नॉर्थ ब्रिज और एक
साउथ ब्रिज। अब ये समझते हैं कि नॉर्थ और साउथ कौन सा होता है, तो यहाँ जाते हैं नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ। साउथ ब्रिज कौन सा वाला है जो आपके पीसीआई स्लॉट्स के नीचे है, देखो। एक मिनट, को एक बड़ा इमेज देख लेते हैं। ये देखो, इसको भी देख लेंगे अपने इस इमेज को। ऐसा देखा था कल हमने मदरबोर्ड प्रैक्टिकल में, है ना। तो देखो इसमें ये वाला जो है, ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ वाला है वो कौन सा है, नॉर्थ है। और जो पीसीआई स्लॉट्स के पास में है वो कौन सा है, साउथ ब्रिज। ठीक है, इसको हमेशा तुम्हें याद रखना है कि ये वाला नॉर्थ है और ये साउथ ब्रिज है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज किस क्या किस चीज़ से कनेक्टेड है। नॉर्थ ब्रिज जो है, नॉर्थ ब्रिज कौन सा, ये वाला, ये ब्रिज का काम क्या है, प्रोसेसर को कंट्रोल करना, प्रोसेसर को कम्युनिकेशन करवाना रैम से, और रैम और एजीपी को। ठीक है, इन तीनों का कम्युनिकेशन करवाता है नॉर्थ ब्रिज हमारा। एजीपी क्या होता है बता दो। ठीक है, अभी इतना समझो कि रैम और सीपीयू और एजीपी, ठीक है, इन तीनों को क्या करता है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमारा नॉर्थ ब्रिज। साउथ ब्रिज का क्या काम होता है, साउथ ब्रिज बायोस, बायोस मतलब, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का जनरल फीचर क्या होता है, मेन जो हमारे कीबोर्ड माउस जो हैं उनके लिए, उनको कनेक्टिविटी देना, या फिर बायोस का और भी, हाँ और भी काम है एक बायोस की, मतलब मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा साउथ ब्रिज का क्या काम होता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब आपके कीबोर्ड माउस जिससे इनपुट आता है हमारे पास, ठीक है, उनको मैनेज करता है साउथ ब्रिज। इसके अलावा पीसीआई स्लॉट्स, जितने भी पीसीआई स्लॉट्स हैं उनको ये कंट्रोलिंग करता है हमारा साउथ ब्रिज, उनका ब्रेक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यूएसबी को भी यही हैंडल करता है, एआईडी को भी यही हैंडल करता है। ठीक है, ये देखो एक और एग्जाम्पल है अच्छा सा, नॉर्थ ब्रिज कर रहा है सीपीयू रैम वीडियो कार्ड और ईथरनेट को कंट्रोल, और साउथ ब्रिज कर रहा है यूएसबी एटीएफ फ्लॉपी कीबोर्ड माउस एलपीटी, ठीक है, बायोस और अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है जी, तो ये मेन उसका वो है। अब चलते हैं मदरबोर्ड के और कंपोनेंट्स देख रहे हैं अभी हम मदरबोर्ड के, और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड में। फैन कनेक्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, पावर कनेक्टर्स लगे रहते हैं, उसके अंदर जो पावर जाती है एक मदरबोर्ड के अंदर, दिखा देता हूँ। ये वाला जो, ये जो स्लॉट है ये वाइट वाला, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे हम पावर कनेक्टर लगाते हैं जो एसएमपीएस से आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो लगेगा। तो ये हर मदरबोर्ड में होता है, देखो पावर कनेक्टर, ये रहा, ये रैम के स्लॉट्स हैं, ठीक है, ये प्रोसेसर का सॉकेट है तुम्हारा, ये पीसीआई स्लॉट्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा ब्रिज है, साउथ है, ठीक है, और नॉर्थ ब्रिज इधर होगा जो इसने इसमें दिखा नहीं रखा है, बट नॉर्थ ब्रिज इसका कहीं और होगा। तो डिपेंड करता है, देखो मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, ये तो हम, ये जो हम मदरबोर्ड देख रहे हैं ये सीपीयू का है, नॉर्मल जो हम जो सीपीयू यूज़ करते हैं उसका है। अगर मान लो जैसे कंपनियों में बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बड़े वाले सर्वर्स, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, एक से ज़्यादा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज होते हैं, एक से ज़्यादा रैम के स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कभी सुनी है आपने, नहीं सुनी। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, देखो मतलब जैसे आपका आजकल जैसे कोर टू ड्यू चलता है, कोर, आपको सीपीयू के नाम कौन कौन से पता है, अभी क्या चल रहा है, i3 i7 ये सब पता है लेटेस्ट, हल्का सा आईडिया है, हाँ क्या है बताओ बताओ, मतलब कि ये सर i3 i
i3 चल रहा है, i7 चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, कोर होते हैं सीपीयू के अंदर। अब क्या क्या होता है, पहले क्या होता था, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर आता था, एक सिंगल प्रोसेसर आता था। देखो दिखाता हूँ डिस्प्ले, इसमें कोई आपको इमेज भी मिल सकती है। वैसे पहले जो हमारे पास जैसे पेंटियम वाले, जो पेंटियम 4 का नाम सुना है आपने, पेंटियम 4 प्रोसेसर आता था एक पहले, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। देखो माइक्रो प्रोसेसर तो पता है, सीपीयू के अंदर जो लगा रहता है, मदरबोर्ड में जो लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर, वो तो पता है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मेन प्रोसेसर से ही तो सारी स्पीड आती है अपने उसमें डेस्कटॉप में। देखो पहले क्या होता था, पहले पहले माइक्रो, मान लो ये क्या है तुम्हारा सीपीयू का सॉकेट है, ठीक है। इसमें क्या करते थे आप, अपना प्रोसेसर यहाँ लगा देते, ये रेड वाला क्या है आपका प्रोसेसर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं इसको। अब पहले क्या होता था, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेसर आता था, एक प्रोसेसर आता था, तो इसको बोलते थे हम वन कोर, वन कोर। लिख देता हूँ क्या बोलते थे इसे हम, वन कोर, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि सीपीयू जो आते हैं, प्रोसेसर आते हैं, उनके क्या लिखे होते हैं, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यूल, है ना। इनका क्या रीमेनिंग है, देखो देखो, कोर टू ड्यूल, ड्यूल कोर। पहले जो प्रोसेसर आते थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले उसमें सिर्फ एक कोर होता था, एक ही प्रोसेसर में, चिप का साइज इतना ही होता था, जो प्रोसेसर का होता है वही होता था। प्रोसेसर तुमने देखा है कभी, नहीं देखा, ठीक है। पहले प्रोसेसर देखते हैं, प्रोसेसर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू में हम प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ऐसी चिप होती है, देखो ये वाली जो फैन के नीचे जो लगी हुई है ना, वो चिप है ये वाली। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर है ये माइक्रो प्रोसेसर है तुम्हारा। जब आप सीपीयू खरीदते हो ऐसा आता है, देखो इंटेल का ये चिप है, इतनी सी चिप है, इतनी सी स्क्वायर, बस माचिस की जितनी चिप है। इसको हम लगा देते हैं, इसके ऊपर फैन और हीट सिंक रख देते हैं, ये प्रोसेसर है, ये ब्रेन है सारा, इससे सारी कंट्रोलिंग हो रही है। इसको ये कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ट्रांजिस्टर्स है, इसके अंदर ये जो बारीक बारीक आपको दिख रहा है क्या है, ये सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, बहुत बहुत बारीक, जो हम अपने आई से नहीं देख सकते जिनको, ठीक है। इससे सर ऑपरेट ही मतलब, इससे प्रोसेसिंग होती है, डिसीजंस होते हैं इससे, इससे ऑपरेट नहीं होता, ये डिसीजन लेता है, ठीक है। कैसे, देखो टास्क मैनेजर में जाओ अपने डेस्कटॉप के, टास्क मैनेजर पता है, नहीं पता, अच्छा ठीक है। तो देखो ये आपको बता दूंगा मैं, ये टास्क मैनेजर क्या होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो अभी सीपीयू आ रहा है, राइट, इसको मैं क्या समझाऊँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या प्रोसेसर है इसमें, इंटेल आर कोर TM i5 है, ठीक है, 6200U CPU 2.30 GHz, ठीक है। अब देखो प्रोसेस में जाता हूँ, अभी मेरे कंप्यूटर में, इस में मशीन में इतने सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है मेरा, 40%। मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, मेमोरी मतलब रैम, रैम कितनी यूज़ हो रही है, 39%। डिस्क कितना यूज़ हो रहा है, जो हार्ड डिस्क है मेरी कितना परसेंट यूज़ हो रही है, 3%, 2%, चेंज होती रहती है ये, यूज़ करने के ऊपर है। आप क्लिक करोगे तो माउस मूव करोगे वैसे ही 1-2% बढ़ जाएगा, जैसे कोई प्रोसेसिंग करोगे। तो हमारा जो मेन जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, ये सीपीयू है, ये
इसके डिसीजन लेने का काम है। मतलब जैसे आप कैलकुलेटर खोल के 3+2 करते हो तो जो रिजल्ट देता है ना, जो रिजल्ट कैलकुलेशन हो रही है वो प्रोसेसर डिसाइड करता है। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? प्रोसेसर। ठीक है, एप्लीकेशन भी है लेकिन प्रोसेसर डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन को कौन पहले प्रायोरिटी कब देनी है। ठीक है, इनकेस आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो वो सारी प्रायोरिटी किसको दे देता है? सिस्टम को। ठीक है, मतलब आपके गाने चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, कोई एप्लीकेशन कोई भी चल रहा है, वीडियो चल रहा है वो पॉज हो जाएगा और सारी एनर्जी प्रोसेसर उस पर डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक तरह का डिसीजन मेकर है। समझाता हूँ और अच्छे एग्जांपल दे करके जो समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो ये तो समझा देता हूँ मैं आपको, जो कोर मैंने जो समझाया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में पहले एक कोर आता था, सिंगल कोर। अब जब ये ड्यूल कोर आया, फोर कोर आया, या फिर चलो होल्ड करते हैं फिलहाल एज ऑफ नाउ, मदरबोर्ड पे चलते हैं मेरे वापस से, फिर प्रोसेसर की बात करेंगे। ठीक है, मदरबोर्ड में देखो क्या होता है, फैन के कनेक्टर्स होते हैं, फ्रंट टॉप पैनल, फ्रंट में जो सीपीयू के फ्रंट में जो कनेक्टर वो थे यूएसबी के स्लॉट्स, वो भी अंदर मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं पीछे से, है ना। वो है टॉप पैनल, यूएसबी, ऑडियो होता है, पावर बटन होता है, पावर लाइट्स होती हैं, ड्राइव एक्टिविटी लाइट्स, रीसेट बटन, ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड से, सारे के सारे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रैम टाइप्स एंड फीचर्स। ठीक है, देखो टाइप ऑफ रैम। ठीक है, पहले जो रैम्स आती थी वो ये वाली आती थी, SODIMM DIMM। ठीक है, इसके अलावा आज के ज़माने में जो बात करूँ तो DDR3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम DDR3 यूज़ करते हैं, जो रैम आती है उसे हम बोलते हैं DDR3। ठीक है, अब टाइप्स, टाइप्स रैम के टाइप्स क्या क्या हैं? DDR, DDR2, DDR3, SODIMM। ठीक है, इसका मतलब बता दूँगा DIMM। ठीक है, पैरिटी वेस नॉन पैरिटी। ठीक है, ECC वेस नॉन ECC रैम कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल चैनल वेस ड्यूल चैनल वेस ट्रिपल चैनल। ठीक है, सिंगल साइडेड वेस डबल साइडेड। ठीक है, बफर्ड वेस अनबफर्ड। तो ये क्या है? रैम के कंपैरिजन है। ठीक है, रैम के बारे में अभी और डिटेल में आगे आएगी थ्योरी, ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन चल रहा है अभी। ठीक है, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ CPU। ठीक है, एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कूलिंग मेथड, इसको नहीं आपको करना है। अब क्या होता है, जो ये सॉकेट्स आते हैं मदरबोर्ड पे, जो वाइट कलर का सॉकेट लग रहा है ना CPU का, ये वाला जो सॉकेट है मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, अब इस सॉकेट के भी क्या टाइप आते हैं बहुत सारे, ये एक टाइप का नहीं आता है सब में, सब अलग अलग टाइप के आते हैं। अब वही टाइप की बात यहाँ पे हो रही है। सॉकेट टाइप्स इंटेल 775, इंटेल 1155, 1156, ये क्या हैं? अलग अलग हैं, और AMD कंपनी भी बनाती है ये। ठीक है, जो ये सॉकेट टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से देखो इस चीज को, तो ये तुमसे बस हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये भी इतने सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि जी ये बताओ आप, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कूलिंग के लिए देखो क्या है, हीट सिंक्स हैं, फैंस हैं। ठीक है, एक थर्मल पेस्ट, थर्मल पेस्ट क्या होता है अभी बताता हूँ, लिक्विड बेस्ड। ठीक है, फैनलेस और पैसिव। देखो थर्मल पेस्ट क्या होता है, एक पेस्ट आता है। ठीक है, देखो थर्मल का मतलब क्या समझ में आता है? ठीक है, मतलब हीट को कूल करने में थोड़ा सा हेल्प करे अपने को। तो इस पेस्ट को क्या करते हैं, देखो ऐसा पेस्ट आता है व्हाइट कलर का,
इसको क्या करते हैं, देखो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं इसे, इस पेस्ट को, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया आपने इसके अंदर स्लॉट में, इसके ऊपर ये पेस्ट लगाते हैं, फिर इसके ऊपर फैन रखते हैं, तो ये क्या करता है थोड़ा सा कूल लगने में हेल्प करता है प्रोसेसर की, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हीट सिंक को हम लगा देंगे और उसको लगा देंगे तो हीट हो जाएगा प्रोसेसर, ठीक है। इसकी जगह देखो इंडिया का जो देसी जुगाड़, पता है क्या है, इंडिया के देसी जुगाड़ में इस पेस्ट को यूज़ नहीं करते, जो कोलगेट होता है ना, जो हम डेली हम कोलगेट करते हैं टूथपेस्ट, वो लगाते हैं लोग यहाँ पे, तो एक ये अच्छा मतलब ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी मेंथोल वगैरह होता है और वो कूल कूल लगता है ना उससे भी, तो वही ऐसे ये प्रोसेसर हीट होता है ना तो उसमें हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्मल पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये है डेफिनेशन, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की, ये आप नोट डाउन कर लेना नोट्स बनाते टाइम, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट ऑल फंक्शंस टुगेदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सम यूजफुल टास्क सच एज एडिंग अप द नंबर इन अ स्प्रेडशीट और हेल्पिंग यू टू राइट अ लेटर, ठीक है, ये क्या है इसकी डेफिनेशन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नोट दैट, क्या बोल रही है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है मेड अप ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिला के बना हुआ, ठीक है, दैट ऑल फंक्शंस टुगेदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सम यूजफुल टास्क, ये सारे डिवाइस, सारे जितने भी अंदर आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, कोई आपका टास्क परफॉर्म करवाना है उसमें हेल्प करते हैं। अब सच एज एडिंग अप द नंबर्स, क्या बोल रहा है, सच एज एडिंग अप द नंबर्स, मतलब फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर आप खोलते हो, उसमें आप कैलकुलेटर में लिखते हो 1000+1000 इज इक्वल टू, कौन बताता है, कंप्यूट करके हमारा सीपीयू, ठीक है, सीपीयू क्या करता है, मदरबोर्ड भी यूज़ करता है, हार्ड डिस्क भी यूज़ करता है, रैम भी यूज़ करता है, इन सब कंपोनेंट्स को यूज करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। ये नोट वाला है, इसको हमेशा पढ़ें, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन अदरवाइज थ्रू आउट दिस बुक द टर्म्स पीसी एंड कंप्यूटर आर यूज्ड इंटरचेंजेबल। ये कह रहा है कि अगर हम पीसी लिखें चाहे कंप्यूटर लिखें एक ही बात है, ठीक है। वैसे कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते हो तो हमेशा क्या बोला जाता है, कंप्यूटर, लेकिन हम जैसे हम लोगों ने क्या करा है कि ये पीसी वर्ड हमने लिया है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, हमने क्या करा, एक शॉर्ट फॉर्म बना दी पीसी नाम से, और सब एक दूसरे का बोल रहा है पीसी 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 पीसी, उसका मतलब ये और ये एक ही होते हैं, नहीं, पर्सनल कंप्यूटर बोलो चाहे कंप्यूटर बोलो एक ही बात है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वर्बली क्या बोलते हैं, पीसी, ठीक है। तो ये हम लोगों का बनाया हुआ है अपना ओन, बट अगर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते हो तो वहाँ पे सिर्फ इसे कंप्यूटर ही बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, हमारा अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो नाउ यहाँ चलते हैं, नोट दैट दिस डेफिनेशन डिस्क्राइब अ कंप्यूटर एज हैविंग मैनी डिस्टिंक्ट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, मोस्ट कंप्यूटर टुडे आर मॉड्यूलर, दैट इज दे हैव कंपोनेंट्स दैट कैन बी रिमूव एंड रिप्लेस्ड, ठीक है, कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो आप, रिमूव भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो इन सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। Now with another component of the same function but with different specification in order to improve performance. Each component has a specific function. हर component का एक specific function होता है जो हम इस chapter में पढ़ेंगे, ठीक है, चलते हैं नीचे आगे, ठीक है। In this chapter हम पढ़ने वाले हैं motherboard, processor and memory and cooling system, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। अब Identifying components of motherboard, ठीक है, the spine of the computer
इज मदरबोर्ड, स्पाइन मतलब बैकबोन, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को, ये तुम्हारा स्पाइन होता है, ठीक है, हम इसको जनरल लैंग्वेज में बैकबोन बोलते हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है, इसका एक रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। तो द स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर इज मदरबोर्ड, अदरवाइज नोन एज ए नोन एज द सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं और मेन बोर्ड भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB। PCB क्या होता है, ये जो बोर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके ऊपर सारी आईसी जोड़ी हुई है हमने, ये जो ग्रीन कलर का जो बोर्ड है ये जिस बोर्ड के ऊपर सब कुछ सारी आईसी लगी रखी रहती है ना, उसे PCB बोलते हैं, ठीक है। ये एक बोर्ड ही तो है, ये ब्लैंक है अभी, ये खाली बोर्ड है, नहीं आया समझ आ गया। ये तुम्हारा ये जो बोर्ड है ना, ये प्लास्टिक का होता है, ये उसका सिलिकन का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सर इंसुलेटेड होता है, बिल्कुल हाँ इंसुलेटेड होता है, ये दिन तो शॉर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये सिलिकन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा PCB है जिसके ऊपर हम सारी क्या करते हैं, ICs की कनेक्टिविटी करते हैं। मोबाइल फोन में भी होता है अंदर PCB होता है, PCB के ऊपर आप क्या करते हो, सारी की सारी IC रख के इनको आप सोल्डर आयरन करते जाते हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम PCB, ठीक है। अब PCB हो गया, दिस इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, विच इज कंडक्टिव सीरीज ऑफ पाथवेज लैमिनेटेड टू अ नॉन कंडक्टिव सबस्ट्रेट दैट lines the bottom of computer and is often of uniform color, ठीक है, such as olive brown और blue color का भी होता है, brown color का भी होता है, green भी होता है, मतलब किसी भी color में आ सकता है ये board, just एक board है, ठीक है, बस इतना से ध्यान रखो इसमें। Often a uniform color such as ये, ठीक है, important component of the computer because connect all the, क्या बोल रहा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द अदर कंपोनेंट टुगेदर, ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, ये वही वाली बात बोल रहा है, ऑल अदर कंपोनेंट्स आर अटैच टू दिस सर्किट बोर्ड, ऑन दिस बोर्ड You will find the central processing CPU, underlying circuitry, expansion slots, video components, RAM के slots मिलते हैं इस board के ऊपर, ठीक है, and variety of chips, ठीक है, ये सारे क्या मिलते हैं आपको, चीज़ें आपको इस board पे लगी हुई मिलती हैं। ये जो मैं highlight कर रहा हूँ ना, इन points के notes ज़रूर बनाना है ना, इसलिए मैं highlight कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये basically ये पूरा जो चारों तरफ जो बोर्ड है ये आपका ब्लैंक आता है बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में जब मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग आप देखना यूट्यूब पे कि मदरबोर्ड कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, तो एक प्लेन बोर्ड आता है बस, उसके ऊपर ये कोई ICs वैसी कुछ नहीं लग रही होती, फिर ये वन बाय वन सारी मशीन्स के पास जाता है, कोई अलग अलग सॉकेट लगाता है, कोई PCI स्लॉट लगाता है, कोई रैम स्लॉट इस बोर्ड में लगाता है, ऐसे होता है, ठीक है। System boards are classified by their form factor, such as ATX. System boards को क्या कर रहे हैं, हमने classify करा हुआ है, मतलब different types में बांटा हुआ है, ठीक है, form factor के according। अब कौन कौन से होते हैं, ATX होता है, micro ATX and ITX, ठीक है, ये इनके नाम है। Now, exercise care and vigilance when acquiring a motherboard and case separately, ठीक है, some cases are less recommended। देखो ATX की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है,
Intel developed the advanced technology extended motherboard in the mid of 1990s to improve upon the classic 80s style motherboard architecture. ठीक है, that had the rule PC world for many years. The ATX motherboard has the processor and memory slots at the right angles to expansion cards. This arrangement puts the processor and memory in line with the fan output and power supply. ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या मतलब है. वैसे समझ में आ रहा है, इतना भी अगर इंग्लिश में लिखा है तो दिल आ रहा होगा ना समझ में. आ रहा है ना? हाँ सर, मतलब अगर हार्ड हार्ड वर्ड से तो फिर मतलब उसी पे अटकते नहीं तो समझ में आता है. सही बात है. ठीक है, तो ये क्या है, सिंपली सी बात ये बोल रहे हैं, ATX जो होता है उसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, ATX में सही एंगल में रखा हुआ है सारे स्लॉट्स को. देखो ये लिखा हुआ है, द प्रोसेसर एंड मेमोरी स्लॉट्स एट राइट एंगल्स. प्रोसेसर का स्लॉट और मेमोरी का स्लॉट सही एंगल में रखे हुए सारे. ठीक है, बस ये इस एंगल के लिए ही इन्होंने क्या करा है, ATX ITX जो आए हैं ये सब. देखो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, 2004 में जब मैंने सुना था, मैं जब इस चीज़ को पढ़ रहा था, जब ATX ही था ना, जबकि ATX ही है. ठीक है, अब ये ITX और ये कब हुए मतलब मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए. इनको भी आपको इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से कोई इतना नहीं पूछेगा, जस्ट आज भी ATX ही चल रहा है, ATX के ऊपर कोई नहीं आया है. ठीक है, और सब ATX ही यूज़ करते हैं, दूसरा मदरबोर्ड कोई नहीं आता. ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे है. ठीक है, सारे ATX ही आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो हमें बहुत सारा टाइम इस पर वेस्ट करना चाहिए. एक बार क्या करना, ATX देख लेना, माइक्रो ATX देख लेना. ठीक है, इनको थोड़ा सा एक बार अपनी तरफ से ब्रश अप कर लेना. पेज नंबर देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है 117 नीचे. ठीक है, अगर देखना है तो. ठीक है जी, देखो ATX और माइक्रो ATX में तुम्हें क्या फ़र्क दिखता है, दोनों में चीज़ें सारी सेम है, प्रोसेसर का स्लॉट भी उसी में है, नॉर्थ ब्रिज भी दिख रहा है, साउथ ब्रिज भी दिख रहा है, रैम स्लॉट भी दिख रहे हैं, PCI स्लॉट कम हो गए नीचे. यस सर. ठीक है, PCI स्लॉट कम हो गए, पावर के भी स्लॉट लगे हुए हैं सारे पीछे, सब कीबोर्ड माउस सब लगा हुआ है. तो ATX और माइक्रो ATX में सिर्फ इतना फ़र्क है, माइक्रो ATX का मदरबोर्ड छोटा. ठीक है, अब आपने इसका अच्छा एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे CPU आपने देखे होंगे, HP के इतने इतने से भी CPU आते हैं, छोटे छोटे से भी CPU आते हैं, तो उसमें क्या लग रहा है, मदरबोर्ड कौन सा लग रहा है इसमें, माइक्रो ATX लग रहा है. सही है ना, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा स्पेस बच गया. अब जो ये है हमारा लैपटॉप, इसमें क्या लग रहा है, माइक्रो ATX लग रहा है. ठीक है, अब ये तो बात समझ में आती है कि भैया अगर आप ATX लेते हो तो ये महंगा होगा, और माइक्रो ATX लोगे तो सस्ता, सॉरी महंगा होगा. ATX जो होगा वो सस्ता होगा, और माइक्रो ATX अपना क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा. ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, आपको दो ही रियल टाइम में आज भी ATX और माइक्रो ATX देखना मिलेगा. ठीक है, ATX मदरबोर्ड थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है चीज़ों को, और ये है कॉम्पैक्ट माइक्रो ATX. ठीक है, अब चलते हैं आगे. ITX को तुम एक बार देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए मदरबोर्ड पे, प्रोसेसर पे एंड रैम पे. ठीक है, तो देखो जी इससे भी छोटे ITX आते हैं बेसिकली. देखो मिनी ITX, नैनो ITX, इसमें देखो प्रोसेसर ही नहीं है और एक है पीको ITX, इसमें प्रोसेसर है सिर्फ, इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दे रखा है, इसमें नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज है ही नहीं, या फिर ये छोटे वाले होंगे मे भी. ठीक है, तो इनको देख लेना आप एक बार. अब सिस्टम बोर्ड कंपोनेंट्स. ठीक है, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक टाइप ऑफ मदरबोर्ड एंड देयर फॉर्म फैक्टर्स. ये क्या बोल रहा है, अब मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहला चिपसेट, चिपसेट बोले तो नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज. चिपसेट अगर बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, चिपसेट.
ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड बसेस, मेमोरी स्लॉट जैसे रैम का स्लॉट होता है और एक्सटर्नल कैशे, समझा देता हूँ आगे, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू एंड देयर सॉकेट, सीपीयू होता है उसके सॉकेट होते हैं, पावर कनेक्टर्स लगे रहते हैं बहुत सारे, ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर्स लगे रहते हैं, कीबोर्ड के कनेक्टर होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, बायोस की बायोस और फर्मवेयर के जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं इसमें, ठीक है। सीमोस बैटरी होती है, फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड पेरिफेरल बोर्ड्स एंड हेडर्स होते हैं, ठीक है, जो होता है। तो बस आर्किटेक्चर की बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, चलते हैं आगे और चलते हैं चिपसेट्स पे। अ चिपसेट इज अ कलेक्शन ऑफ चिप्स और सर्किट्स दैट परफॉर्म इंटरफेस एंड पेरिफेरल फंक्शन फॉर द प्रोसेसर, ठीक है। चिपसेट सारी जो चिप्स लगी रहती हैं उनका कलेक्शन होता है चिपसेट, ठीक है। मदरबोर्ड को हम दूसरी लैंग्वेज में चिपसेट भी बुलाते हैं, ठीक है, मतलब हम जब कभी किसी टेक्निकल सपोर्ट वाले से या टेक्नीशियन से बात करते हैं तो वो उसे मदरबोर्ड तो नॉर्मल आदमी के लिए बोलता है, जब टेक्निकल दो टेक्निकल आदमी बात करते हैं तो चिपसेट बोलते हैं हम लोग। पूरे मदरबोर्ड को क्या बोलोगे? एक नॉर्मल आदमी उसे कहता है मदरबोर्ड, मेन बोर्ड या सीपीयू भी बोल देता है उसको, बट वो मदरबोर्ड होता है, सीपीयू नहीं होता। सीपीयू उसके अंदर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड और उसके पूरे सेट को सीपीयू नहीं बोलते है, और बाहर के डब्बे को भी सीपीयू नहीं बोलते, वो सिर्फ केस होता है, बॉडी केस होता है सिर्फ वो, ठीक है। सीपीयू तो इतना सा होता है जो माइक्रो प्रोसेसर अंदर लगा है, वो है ब्रेन, बाकी सब तो ऊपर ऊपर का अलग अलग पार्ट है, ठीक है। अब चलते हैं, दिस कलेक्शन ऑफ चिप्स इज यूजुअली द सर्किटरी दैट प्रोवाइड्स इंटरफेसेस फॉर मेमोरी एक्सपेंशन कार्ड्स एंड ऑनबोर्ड पेरिफेरल्स एंड इट जनरली डिकेट्स हाउ मदरबोर्ड विल कम्युनिकेट विद इंस्टॉल्ड पेरिफेरल्स। तो देखो वही जनरल सी बातें कर रहे हैं जो हम अब तक बड़बड़ करके निकल चुके हैं, ठीक है। चिपसेट आर यूजुअली गिवन अ नेम एंड मॉडल नंबर बाय ओरिजिन मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, चिपसेट को एक नाम भी दे देता है, ठीक है। कोई भी जो जिस भी कंपनी का है नाम, जैसे मान लो मरकरी का मदरबोर्ड आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे हमें गीगाबिट का देखा था, है ना, तो अलग अलग कंपनी मदरबोर्ड बनाती है, एक कंपनी नहीं बनाती मदरबोर्ड, ठीक है, बहुत सारी कंपनी मदरबोर्ड बनाती हैं। चिपसेट कैन बी मेड अप ऑफ वन और सेवरल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स, ठीक है। चिपसेट के अंदर क्या होती है, बहुत सारी आईसी होती हैं, इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड फॉर एग्जांपल टिपिकली यूज टू चिप्स टू नो फॉर श्योर ना, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो नॉर्थ ब्रिज कह जाते हैं, ठीक है, चिपसेट का मतलब बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये वाला कलेक्शन ऑफ चिप्स, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड चिपसेट, बस। अब चलते हैं आगे, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज की, ठीक है। द नॉर्थ ब्रिज सबसेट ऑफ अ मदरबोर्ड चिपसेट इज द सेट ऑफ सर्किटरी और चिप्स दैट परफॉर्म वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ हाई स्पीड पेरिफेरल कम्युनिकेशन। द नॉर्थ ब्रिज इज रेस्पॉन्सिबल, यहाँ से आपको नोट बनाना है, द नॉर्थ ब्रिज इज रेस्पॉन्सिबल प्राइमरीली फॉर कम्युनिकेशन विथ इंटीग्रेटेड वीडियो यूजिंग PCIe फॉर इंस्टेंस एंड प्रोसेसर टू मेमोरी कम्युनिकेशन। वही वाली बात है जो आपका वीडियो इनपुट जो आता है वो ये नॉर्थ ब्रिज हैंडल करता है। इसके अलावा प्रोसेसर को मेमोरी, जहाँ बोल रहे हैं मेमोरी का मतलब समझो रैम, ठीक है, प्रोसेसर रैम और वीडियो इनपुट, ठीक है, इंटीग्रेटेड वीडियो, ठीक है, इन सब के लिए कौन काम करता है, तुम्हारा नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा भी तो सिर्फ यही पूछेगा नॉर्थ ब्रिज किस किस को कम्युनिकेशन करवा रहा है या फिर किस किस कौन कौन से काम कर रहा है नॉर्थ ब्रिज, तो तुम क्या बताओगे कि ये
नहीं इसमें इस लाइन में देखो ठीक है, नॉर्थ बेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशंस विद इंटीग्रेटेड वीडियो यूजिंग PCIe, ठीक है समझाऊंगा इसका मतलब। फॉर इंस्टेंस ऐसे कह सकते हो प्रोसेसर और रैम, प्रोसेसर और रैम को कौन कंट्रोल कर रहा है, नॉर्थ ब्रिज। देखो यार सबसे अच्छा समझने का तरीका, हम जाते हैं मदरबोर्ड पे। अब मदर ये प्रोसेसर है, ये वाला कौन सा ब्रिज है, नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। नॉर्थ के पास में क्या क्या है सर, एक प्रोसेसर है यस, ये क्या है रैम के स्लॉट से है ना। तो ऐसे समझो इसको कि नॉर्थ बेच का काम क्या है, प्रोसेसर को और रैम के स्लॉट को वो करना कंट्रोल। इसके अलावा जो ये ब्लू वाला और ये जो वाइट वाले पोर्ट है ये कौन से हैं, PCIe स्लॉट, इनको भी कौन कर रहा है, नॉर्थ बेच कर रहा है। ऐसे समझ लो इसको ठीक है। अरे जो PCIe है मतलब इसका यूज है, इसका यूज मैं समझाऊंगा अच्छे से ना, हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे ना, जब मदरबोर्ड को प्रैक्टिकली जब मैं समझाऊंगा कि कैसे काम आ रहा है, क्योंकि देखो एक दो CPU खोल के दिखाने होंगे कि PCIe स्लॉट्स क्यों लगे हुए हैं ठीक है। अब देखो अभी के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, PCIe स्लॉट्स इसलिए बने हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट मदरबोर्ड में कितने लैन केबल लगाने के पोर्ट आते हैं, दो तीन रहते हैं, वो USB के रहते हैं दो तीन। आपने मदरबोर्ड पीछे से देखा था हमने, हाँ सर ठीक है, उसके पीछे USB पोर्ट्स कितने थे, चार, दो और दो चार, देखो ये ना ऐसे ही था मदरबोर्ड हमारा, ये क्या बड़ा वाला है, ऐसे ही देखा था हमने मदरबोर्ड का बैक साइड से। ये दोनों कीबोर्ड माउस के हैं ठीक है, ये देखो ये USB है, ये भी USB है, ये भी USB है, 1 2 3 4 चार USB पोर्ट है ठीक है। अब मान लो आपको चार USB पोर्ट से काम नहीं हो रहा, आपको क्या चाहिए, और USB पोर्ट चाहिए, अब कैसे लगाओगे, उसको लगाने के लिए हमने बनाए PCIe स्लॉट्स ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाजार से एक कार्ड खरीद के लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा USB पोर्ट्स वाला ठीक है, PCIe कार्ड बोलते हैं जिसे हम ठीक है, और USB ऐसा कार्ड आता है, देखो ये ना ये कार्ड है, इसमें देखो कितने स्लॉट मिल गए आपको, दो स्लॉट और एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये कार्ड जो है ये कहाँ लगेगा, तुम्हारे ये जो इधर इस साइड से लगता है ये PCIe स्लॉट में लगेगा तुम्हारे, देखो इसमें चार पोर्ट मिल रहे हैं 1 2 3 4, ये PCIe कार्ड कहलाता है ठीक है, और PCIe स्लॉट में ये लगता है। ये मैं हम प्रैक्टिकल में लैब में देखेंगे इसको ठीक है कि ये कैसे लगता है। क्लियर है, समझ में आया, ऐसा ये कार्ड होता है, इसमें आपको सब मिल जाता है। ऐसे और भी कई तरह के कार्ड आते हैं, मतलब जिस पोर्ट को आप एक्स्ट्रा चाहते हो उसका PCIe कार्ड खरीद के लिए आओ ठीक है। USB का चाहते हो तो USB मिलेगा, और इसके अलावा कौन से हैं, ये जैसे मान लो ये इससे वीडियो निकलता है बाहर, वीडियो आउटपुट है ना ये वाला, तो इसके भी मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा। जैसे मान लो ये स्पीकर और इसके चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे, यहाँ पे लैन केबल लगती है इस वाले में, ये आपको बढ़ाने हैं तो इसके भी बढ़ा सकते हो आप एक्स्ट्रा। एक PCIe कार्ड खरीदना पड़ेगा, देखो PCIe कार्ड फॉर लैन केबल ऐसे लिखो। अब देखो
कार्ड तो वैसा का वैसा ही था, लेकिन पीछे क्या मिल गया आपको, एक्स्ट्रा एडेप्टर मिल गया एक बार, ठीक है। मतलब अगर कंप्यूटर में आप चाहो तो देखो चार, इसमें चार लग जाते हैं एक साथ, ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा पोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीसीआई, जो हमारा पीसीआई स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड में, वो इसीलिए बनाए हुए हैं हम नए वाले, ताकि किसी भी आदमी को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है तो पीसीआई स्लॉट में लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात, बस अब चलते हैं आगे। नॉर्थ ब्रिज समझ में आया, तीन चीज़ें कंट्रोल कर रहा है जो उसके पास पास में है, साउथ ब्रिज पे चलते हैं, ठीक है। साउथ ब्रिज, द साउथ ब्रिज सबसेट फॉर ऑफ द चिपसेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्लोअर ऑनबोर्ड पेरिफेरल PS2 पैरेलल पोर्ट सीरियल पोर्ट, ठीक है, सीरियल एंड पैरेलल ATA मैनेजिंग देयर कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज गिवन टू देम, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स डू नॉट नीड टू कीप अप विद एक्सटर्नल क्लॉक एंड CPU, ये सब देखो कोई काम का नहीं है इसमें कुछ खास, ठीक है। मेन चीज हमें देखना है कि साउथ ब्रिज किसको कंट्रोल करता है, इन अदर वर्ड्स इफ यू आर ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इन अदर वर्ड्स इफ यू आर यूज कंसिडरिंग एनी कंपोनेंट अदर देन द CPU मेमोरी एंड कैश है इसको भूल जाओ और पीछे स्लॉट, द साउथ ब्रिज इज इन चार्ज मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड टुडे हैव इंडिकेटेड, बताने लगा अच्छे से। साउथ ब्रिज क्या क्या करता है, PS2 पैरेलल पोर्ट्स सीरियल पोर्ट्स सीरियल एंड पैनल ATA पोर्ट्स, ये सब पहले आते थे यार, ठीक है। तो हमने वैसे इसमें देखा था हमने नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वाला, ठीक है, वैसे वो हम कर चुके हैं जो बाकी आधा चीजों को। नॉर्थ ब्रिज PCI स्लॉट को कर रहा है, CPU कर रहा है, RAM को कर रहा है, साउथ ब्रिज किसको कर रहा है, PCI स्लॉट को भी करता है, USB को भी करता है, ID ISA BIOS को भी कर रहा है और Legacy को भी कर रहा है, ठीक है, क्लियर। ये वाला बेस्ट इमेज है साउथ ब्रिज BIOS, इनपुट आउटपुट होने वाले कीबोर्ड माउस को USB को, इन सबको टैकल करता है साउथ ब्रिज, ठीक है। साउथ ब्रिज का भी समझ में आया बंदा, साउथ ब्रिज समझ में आया, साउथ ब्रिज एक बार और समझा, ठीक है। देखो हमने समझा था, हमने नॉर्थ ब्रिज के बारे में देखा था, नॉर्थ क्या कंट्रोल कर रहा था, रैम को, प्रोसेसर को और PCI स्लॉट को, ठीक है। साउथ ब्रिज हमारा क्या कर रहा है, BIOS को, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, ठीक है, इनपुट आउटपुट IO, ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, कीबोर्ड माउस को, नेक्स्ट है PCI स्लॉट्स को, ये PCI स्लॉट्स को ये भी कर रहा है, 100% नॉर्थ ब्रिज नहीं करता, साउथ ब्रिज भी PCI स्लॉट्स को हैंडल करता है, इसके अलावा USB को, ठीक है। ID केबल होती है जो तुम्हारी पहले जो केबल आती थी ID केबल, और अब वो कौन सी आती है, SATA केबल, जो कल ऑरेंज वाली देखी थी हमने, पहले ID केबल आती थी, तो इसको ID को क्रॉस करके आप लिख सकते हो SATA केबल, ठीक है। ये जो AG, हाँ AGP है, हाँ ये अलग नहीं है, ये तुम्हारा PCI स्लॉट ही है, एक ही है AGP की, बस कुछ अलग उन्होंने AGP स्लॉट देखा, इसको AGP स्लॉट में बोलते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट,
जिसमें क्या लगता है ग्राफिक कार्ड, मतलब एक्स्ट्रा ग्राफिक के लिए आपको आपको आप जैसे आप गेम्स खेलते हो कंप्यूटर में, हाई ग्राफिक्स पे खेलना चाहते हो, तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा, ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ेगा जो इस AGP पोर्ट में लगेगा, AGP जो स्लॉट है इसमें लगेगा मोस्टली। देखो ये ऐसा स्लॉट, ये पीले कलर का आता है, ऐसा अलग सा ही आता है ये पीले कलर का, इसमें ग्राफिक कार्ड लगता है। ठीक है, देखो AGP ग्राफिक स्लॉट, ठीक है, इसके साथ वाले जो व्हाइट वाले हैं ना, जो ये नॉर्मल स्लॉट है PCI। ठीक है, ये है ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा रैम और मदरबोर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि इतनी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोवाइड कर पाए, तो हमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक ग्राफिक कार्ड मिलता है बाजार में, दिखाता हूँ देखो कैसा मिलता है ग्राफिक कार्ड। तो आपको एक ग्राफिक कार्ड ऐसा मिलता है, ये आता है ऐसा, इसमें देखो फैन वैन लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे ये जो है ना, ये चिप्स यहाँ से निकली हुई है, ये लगता है इसमें, और इस ऑरेंज वाले इसमें लग जाएगी। इससे क्या मिलेगा, तुम्हारे मदरबोर्ड को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा ग्राफिक्स, उससे क्या होगा तुम्हारा जैसे गेम्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में आएंगे, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी में गेम्स खेल सकते, तो ये अलग से परचेज कर सकते हो आप मार्केट से। देखो ये भी इसकी भी अच्छी कॉस्ट होती है, 13,000 का आता है, 3,000 4,000 आसूस का है, तो ये काफ़ी सस्ता वाला है, तो क्या बहुत महंगे महंगे भी आते हैं ये आसूस का। ठीक है, क्या है ये आसूस निविडिया GE4GT710, 2 GB का क्या है ये ग्राफिक कार्ड है। ठीक है जी, समझ में आया, AGP और PCI बात बराबर ही है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, मतलब एक ही दोनों में, दोनों एक ही है, बट वो AGP स्लॉट सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए बना है, उसको और कोई कार्ड नहीं लगेगा, सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगेगा बस। ठीक है, तो चलते हैं और आगे की तरफ, और ये मदरबोर्ड का पिक्चर काफी पुराना है। देखो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज एक साथ कनेक्टेड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, दोनों एक साथ कनेक्टेड, मतलब अंदर PCB के अंदर इंटरनली कनेक्टेड होते हैं दोनों, साथ में काम करते हैं दोनों। ठीक है, और CPU तक जो भी बात करनी होती है, प्रोसेसर तक जो भी बात होती है, दोनों मिलकर बताते हैं, करते हैं काम। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज पास करता है उसको, तो जो भी बात होती है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज में, तो मोस्टली जैसे आपका ये खराब हो जाता है ना, मतलब डेस्कटॉप में प्रॉब्लम आती है जब मदरबोर्ड जब खराब होता है, तो मोस्टली नॉर्थ ब्रिज में प्रॉब्लम होती है तो, या फिर साउथ ब्रिज में होती है। ठीक है, इतना था है बस। ठीक है, ये देखो वही बता रहा है फिर से जो हम पीछे देख के आ चुके हैं। ठीक है, इस इमेज में अगर ये इमेज बनाना चाहते हो, तो जब अपने नोट्स बनाओ तो उसमें ये इमेज ड्रॉ कर लेना अपने लिए। ठीक है, तो हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो PCI स्लॉट्स ना, जनरली PCI के नाम से भी आते हैं, PCIe भी आता है, ई मतलब एक्सटेंडेड, और PCIe X भी आता है। ठीक है, 2-3 तरीके के आते हैं, बट कुछ खास बस ये है कि PCIe X जो है वो थोड़ा फास्टर होगा, PCIe होगा, मोस्टली तुम्हें PCIe देखने को मिलेगा, PCIe X भी नहीं देखने को मिलेगा, PCIe देखने को मिलेगा। PCIe स्लॉट्स बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते। ठीक है, तो मेन डिफरेंस देखो, फोटो के अंदर डिफरेंस दिखाता हूँ, PCIe वेस PCI स्लॉट्स, मतलब PCI स्लॉट बहुत बड़ा आता है। एक्सप्रेस बोल रहे हैं इसको, लेकिन हम इसे कंप्यूटर में बोलते हैं एक्सटेंडेड। ये मोस्टली इसमें देखो PCIe लगे हुए सब में, PCIe 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 देखो कितना बड़ा है, और PCIe कितना है, छोटे 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 हैं। ठीक है, साइज वाइज बाकी और भी एग्जांपल है, ये PCIe है एक्सप्रेस, PCIe एक्सप्रेस, ये नॉर्मल PCIe है जो व्हाइट व्हाइट वाला है,
ये नॉर्मल पीसी आई है, ठीक है जी। देखो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूं तो आपको सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू बताना चाहिए। आज के ज़माने में पीसीआई स्लॉट का कोई रिपेयर नहीं होता, पीसीआई स्लॉट का यूज़ आता ही नहीं है बहुत। हाँ वैसे ही गेमिंग में जगह गेमिंग में आपके पीसीआई स्लॉट यूज़ आएगा, इसके अलावा कंपनीज में आएगा, ठीक है दो जगह, वो भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर बहुत रेयर। ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मार्केट में। आजकल सीपीयू इतने छोटे से आते हैं ना, पीसीआई स्लॉट का वो नहीं होता, ठीक है। जैसे माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड लोगे ना, उसमें पीसीआई स्लॉट देखे क्या आपने? पीसीआई स्लॉट नहीं है, है ही नहीं, उनको हटा दिया गया, ठीक है। पीसीआई स्लॉट एक तरह से काम खत्म हो चुका है, कोई इनको यूज नहीं करता। प्लस ये जो कार्ड्स वगैरह होते हैं बहुत महंगे आते हैं, 1,500 के कार्ड्स आते हैं, आदमी इतना नहीं खरीदता आज के ज़माने में। अब 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी जब हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलते हैं रैम की तरफ, ठीक है। पीसीआई स्लॉट्स की बात हो गई, मेमोरी स्लॉट्स एंड कैश, ठीक है। रैम के बारे में पढ़ लो, रैम अच्छा है, इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं कुछ सवाल, ठीक है। रैम रैम से रिलेटेड, रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्लॉट्स आर द नेक्स्ट मोस्ट नोटेबल स्लॉट्स ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। रैम के जो स्लॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं। दीज स्लॉट्स आर डिजाइन फॉर द मॉड्यूल दैट होल्ड मेमोरी चिप्स दैट मेक अप प्राइमरी मेमोरी विच इज़ यूज्ड टू स्टोर करेंटली यूज डेटा and instruction for the CPU. ठीक है, मैं देखो रिकॉर्डिंग में हिंदी में जो बोल रहा हूँ ना, तुम उनको भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखो पूरी उतार के, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ ना इसको, इनको भी आप नोट्स एज ए नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्लॉट्स आर द नेक्स्ट मोस्ट नोटेबल स्लॉट्स, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट स्लॉट है रैम का स्लॉट हमारे मदरबोर्ड में। दीज स्लॉट्स आर डिजाइन फॉर द मॉड्यूल्स दैट होल्ड मेमोरी चिप्स, ये स्लॉट्स डिजाइन किए गए हैं मेमोरी चिप्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है। हमने कल रैम निकाल के देखी थी, ठीक है। तो जो चिप थी उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी चिप, वही तो रैम बस, तो उसको मेमोरी चिप्स है, और वो ब्रैकेट्स क्या करते हैं उसे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारे मदरबोर्ड की या फिर सीपीयू कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी कहती कहलाती है, विच इज़ यूज्ड टू स्टोर, क्या स्टोर करती है, करेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू। सीपीयू ने कोई काम बताया रखा है किसी को, तो वो इसमें स्टोर रहता है, ठीक है, टेम्परेरी रहता है, जैसे ही उस आगे प्रोसेस हो गया और वो आगे वो उसके रैम में से क्या रहता है, रिमूव, ठीक है। तो सीपीयू जो हमारा मेन प्रोसेसर है वो क्या करता है, जैसे उसको रिजल्ट देना है 1+1 का 2, तो वो पहले किसके पास जाएगा, रैम के पास स्टोर रहेगा, ठीक है, जब तक वो डिस्प्ले नहीं रहता, ठीक है। जैसे ही वो डिस्प्ले हो जाएगा तो रैम उसको रिमूव कर देगी, ठीक है। कल हमने रैम के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, तो ये क्या थी, वॉलेटाइल, सॉरी नॉन वॉलेटाइल थी, है ना, मतलब रीड एंड राइट दोनों हो रहा है इसमें, तो इसमें आता है डेटा चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपने सीपीयू को पावर ऑफ कर दोगे तो रैम के अंदर जो भी स्टोरेज स्टोर डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
और इसी कंपैरिजन में हमने पढ़ी थी रोम, रोम में जो डेटा होगा वो सीपीयू के पावर ऑफ करने के बाद भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्री डिफाइंड, पहले कंपनी ने डिफाइन किया हुआ है, वो सेव किया हुआ है, ठीक है, जिसे आप, जिसमें आप राइट तो कर सकते हो लेकिन उसमें परमानेंट रीड भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है ना उसका नाम, तो रीड तो कर ही सकते हो आप, राइट भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो स्टोरेज होता है परमानेंट होता है, उसमें जो लिखा जाएगा वो परमानेंट होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं रोम के अंदर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं और आगे बात करते हैं। मैनी एंड वेरिड टाइप ऑफ मेमोरी आर अवेलेबल फॉर पीसी टुडे, ये हो गया। देखो, फॉर द मोस्ट पार्ट पीसी टुडे यूज मेमोरी चिप्स अरेंज ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। देखो, डिम की फुल फॉर्म क्या है, DIMM, अ ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इज वन टाइप ऑफ सर्किट बोर्ड। टुडे DIMMs डिफर्स इन द नंबर ऑफ कंडक्टर्स और पिंस दैट ईच पर्टिकुलर फिजिकल फ्रॉम फैक्टर यूज। सम कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड 168 पिन, 184 पिन एंड 240 पिन कॉन्फिगरेशन। इन एडिशनल लैपटॉप्स मेमोरी कम्स इन स्मॉल फॉर्म फैक्टर एंड स्मॉल लाइन आउटलाइन। देखो, ज़्यादा नहीं इसको बर्डन डेम और इसके लिए कोई बात नहीं करेगा तुमसे, ठीक है, बट जस्ट फॉर नॉलेज क्या था ये डिम, जो कंडक्टर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। डिम मेमोरी, तो जो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं ना ये आईसीज, इनको हम क्या बोलते हैं, डिम, ठीक है। जो जो रैम हमारी स्टोर कर रही है ना, जो टेम्परेरी डेटा, वो इसमें कंडक्टर्स लगे रहते हैं, उनमें स्टोर होता है वो बेसिकली डेटा, ठीक है। अब उनमें कैसे स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, वो तो बहुत डिफिकल्ट है बताना, बट ये ही क्या है आपका मेन स्टोरेज पॉइंट, इनके बीच में क्या होता है सारा स्टोर, इन ब्लैक ब्लैक जो बनी हुई है इनके अंदर, ठीक है। और इसमें डिम का कुछ देखो, इसमें 100 डिम बता रखा है, ठीक है, वही है ये कि जो है तुम्हारे आईसीस काइंड ऑफ, ठीक है, ये जो ग्रे ग्रे में दिखा रखा है इसमें, ये होता है तुम्हारा डिम, ठीक है। अब डिम के फुल फॉर्म क्या आती है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। अब डिम्स, सोडिम एंड माइक्रो डिम्स, ठीक है। अब ये माइक्रो भी बनती हैं, ठीक है, और सोडियम मतलब एक नॉर्मल वाली, सोडियम बोले तो द सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल SIMM इज एन ओल्डर मेमोरी फॉर्म फैक्टर दैट बिगिन द ट्रेंड ऑफ प्लेसिंग मेमोरी चिप्स ऑन मॉड्यूल, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है क्या, जा रहा है ना ऊपर से, बताए मुझे इसको, देखो बताए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद सेल्फ रीड करना पड़ेगा, ठीक है। डिम का मतलब देखो, ओवरऑल तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा अपने से, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी, ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट बने हुए हैं इसके अंदर क्या है, अंदर आईसी है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और कंडक्टर्स लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं स्टोरेज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं डिम, ठीक है। अब डिम मतलब ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, जो सर्किट्स का जो वो करवा रखा है, जो कनेक्शंस किए हुए हैं वो अलग अलग पिन के वो करे हुए हैं, देखो 168 पिन में भी किया हुआ है, 184 पिन, 240 पिन, तो हम इतने इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाले, तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई इंटरव्यू में तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, इसके अंदर मोस्टली आपसे नेटवर्किंग के बेस पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। इन सबको कोई नहीं पूछता कि डिम मेमोरी क्या है, कैसे
कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम कोई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है, हम कोई सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहे, ठीक है जी। बट जस्ट फॉर नॉलेज डिम और ये सोडिम ये बताना चाहिए, ठीक है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल इज एन ओल्डर मेमोरी, बहुत पहले आती थी ये भी, ठीक है। तो ये है क्लासिक डिम स्लॉट्स वर यूज यूजुअली ब्लैक एंड लाइक ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपके सामने कवर करना चाहिए, ठीक है। दैट इज टोटली यूजलेस आज के ज़माने में, ठीक है। 240 पिन DDR2 HD RAM सब कुछ, इसमें कोई लॉजिक नहीं बचा है। बट इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेस्ट आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा होगा।